हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड ब्यूटी स्ट्रीट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सनस्क्रीन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद से एक्सपीरियंस करूँ पहले, फिर आपके साथ इसका मैं अपना रिव्यू शेयर करूँ कि मुझे कैसी लगी है पर्सनली। तो पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बता देती हूँ। इसकी पैकेजिंग आप लोग देख लीजिए, यूवी डॉक सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल, एसपीएफ 50 प्लस है इसका। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि हमारी स्किन को हार्मफुल रेसेस लाइक यूवीए एंड यूवीबी दोनों से प्रोटेक्ट करता है। और नॉर्मली हम सनस्क्रीन जब बाय करते हैं तो हम जितना ज़्यादा उसमें एसपीएफ होगा उतना ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को। तो नॉर्मली सनस्क्रीन में 20 या 25 या 30 रहता है, इसका एसपीएफ 50 प्लस है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें मेंशन किया हुआ है ये ऑयल फ्री है, मैट फिनिश है, वाटर रेजिस्टेंस है, लाइक जिनको स्विमिंग करना पसंद है तो वो इसको वेयर करके स्विमिंग भी कर सकते हैं। और ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, इसका मतलब ये आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है तो उनको बहुत जल्दी पिंपल आ जाता है, क्योंकि वो हमारी स्किन पे एक लेयर क्रिएट कर देता है और पोर्स जो रहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से जो गंदगी है स्किन में फंस के रह जाती है और वो बहुत जल्दी से पिंपल आ जाते हैं। लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा, तो इसलिए ये ऑल स्किन टाइप के लोगों को सूट करने वाली है गाइज। और इसमें मेंशन है जैसे कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, लाइक जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको भी ये बहुत अच्छे से सूट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पैकेजिंग की बात गाइस। और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड एंड क्लिनिकली प्रूवन है। और गाइस इसमें 50 ग्राम प्रोडक्ट मिला है, तो अब मैं इसको आपको ओपन करके बता देती हूँ एक बार। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। और इसकी मैं आपको टेक्सचर एक बार दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए गाइस, थोड़ा क्रीमी है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सिलिकॉन बेस है तो आपको अलग से समझ में आ जाएगा। ये देखिए गाइस, इस हाथ पे मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है, इसमें नहीं किया है, तो ये इसमें सिलिकॉन होने की वजह से ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, मतलब ब्लॉक नहीं करेगा बट आपके पोर्स मिनिमाइज़ हो जाएंगे और आपको स्मूथ फिनिश मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। लाइक अजीब सा जो हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं नॉर्मली, तो उसके बाद हमारी स्किन बहुत अजीब सी वाइट और ऑयली ऑयली दिखने लगती है, तो ये बिल्कुल भी वैसे नहीं होने वाला है। आप डिफरेंस देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा सा ब्लर इफेक्ट दे रहा है ये स्किन में। इसको एज आ प्राइमर भी लगा सकते हैं, लाइक आप मेकअप वेयर करते हैं तो आप पहले इसको लगा लीजिए सनस्क्रीन को, उसके बाद आप डायरेक्ट अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। आप प्राइमर को स्किप कर सकते हैं जब आप ये सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। यूँ तो मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन यूज़ की हैं बट ये वाली इसलिए मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें जो मुझे पर्सनली पसंद है, और इसलिए ही मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है ये सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट भी दी हुई है। देखिए गाइस, जिन लोगों को एक्ने वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये सनस्क्रीन बहुत ही अमेजिंग वर्क करने वाली है गाइस। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छी वर्क करने वाली है। और अगर आपको सनस्क्रीन चूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन है यूवी डॉक्स सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल। लिटरली गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है मेरे लिए, इसलिए मैं इसके बारे में आपसे इतना ज़्यादा कुछ बोल पा रही हूँ। अगर गाइस आप लोग ये सनस्क्रीन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरी वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।